भगवान की कीमत कर न सका जो, इंसान की कीमत क्या जाने, धान का पैसा दे न सका वो, जान की कीमत क्या जाने। ये अपने को ऐसा दिखाते हैं कि सिर्फ राम भगवान हमारे, या राम राजा सरकार के जो चढ़ावा आता है उसका घोटाला है, वो ये पूरा चंदा खा गए। देखिए विधानसभा 70 में कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूत है कि हम सिर्फ भाजपा से संगठन के मामले में कमजोर, जितने नारियल झूठे फोड़े जा रहे हैं, भूमि पूजन किया जा रहा है। उधर राजनीति में कितनी अहमियत रखता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी ने भी चौथी लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस के भी लिस्टें नहीं है, लेकिन अभी उधर की सीट क्लियर नहीं हुई। हमारी जरूरत इसलिए पड़ी कि इन दोनों पार्टियों ने शासन किया और इतना भ्रष्टाचार किया, मध्य प्रदेश को बारी बारी से इतना लूट कर बुनियादी सारी व्यवस्थाएं खत्म कर है। और इस बार का चुनाव पार्टियां नहीं लड़ेंगी, इस बार का चुनाव आम जनता लड़ने जा रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो वो फिर बड़े से बड़े सिंहासन को नोच के और फेंक देती है। हर ग्राम पंचायतों में आधे से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लगभग सभी विधानसभाओं में जीत रहे हैं। अब घटते घटते एक दो सीट अगर घट भी जाए तो आप आधे से ज्यादा सीट इस बार आम आदमी पार्टी आ रही। अंत्योदय क्या है? समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उदय, ना बिजली है, ना पानी है, ना शासकीय स्कूलों की पढ़ाई है। सरकार तो पिछली बार ही नहीं थी, इस बार कैसे बनाएंगे? तो कांग्रेस बीजेपी एक बेचता है, एक खरीदता है, खरीदे बेचे विधायकों से सरकार बन रही है। इस बार जो है आम आदमी अपनी सरकार खुद बनाएगी। चौथा विधानसभा में स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल का मुद्दा था, हॉस्पिटल 70% बन के तैयार हो गया। विधायक जी की जो छवि रही उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो गया, 2 लाख संपन्न, 4 लाख संपन्न, 9 लाख रुपए हो गया। कई ऐसी योजनाएं सरकार चला रखने गरीबों के लिए जिनको 15 लाख के रिक्शे में 2.5 लाख का आवास मिल गया। हमारे पूर्वज कभी कल्पना नहीं किए थे कि हम कभी भगवान राम का मंदिर देखेंगे, मंदिर हम देखने वाले, बन के तैयार हो रहा है, तो मुझे 15 लाख रुपए मिल गए। कल तक ये अपने 50 वकील खड़े करके कह रहे थे कि भगवान राम का मंदिर नहीं है। मैं आपसे एक कांग्रेस नेता का नाम पूछना चाहता हूँ कि जिसने राम मंदिर के लिए रोड़ा लगाया। कई ऐसे कपिल सिब्बल उसका मुकदमा लड़ रहे थे, मनु सिंह भी उसका मुकदमा लड़ रहे थे। आपके वरिष्ठ मिनिस्टर जो भारत सरकार के मंत्री थे वो बिल्कुल कोर्ट में खड़े होकर हलफनामा दे रहे थे। आज कांग्रेसी लोग सबसे पहले कांग्रेसी जम्मू कश्मीर में घूमने जा रहे हैं, आज वहाँ बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं, तो सबसे पहले कांग्रेसी वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। दो विधान, दो संविधान, दो झंडे, उसको माननीय मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आप भी समाप्त किया। मैं देखिए क्या है कि अभी हम जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा के समापन पे गए, 370 तो हटा दिए, लेकिन एक मामूली सी हल्की सी टेक्नोलॉजी जो है उसको आप नहीं आज तक कर पा रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब क्या है? ये मतलब आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आतंकवादी तैयार कर रही है। आपके नेता कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ने जाते हैं और आप क्या है कि हिंदूवादी बनते हैं। राहुल गांधी जी का कहना है साफ साफ कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, इससे बड़ा। अभी चक्रेश जी ने ये सवाल किया कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है? इनका खुद का गांव है चक्रेश जी का, वहां पर अभी रात को 10 बजे या सवेरे 8 बजे किसी को कोई समस्या है तो वहां पर क्या व्यवस्था है? भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए समाज सेवा नहीं करती, चाहे कोरोना का काल रहा हो या कि अन्य हमारे ग्राम पंचायत में हमारे गांव के लोग हैं उनको सहयोग की आवश्यकता होती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं स्वयं खड़ा रहता हूँ और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और कोरोना का काल लगा, ना कांग्रेस पार्टी दिखी, ना आम आदमी पार्टी दिखी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता सड़कों में उतर के और आम जनमानस की सेवाओं का कार्य करने का कार्य भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ने की है, तब ना हम लोग चुनाव लड़ने की बात करते थे ना कोई बात, सिर्फ सेवा भाव का, सेवा समर्पण का भाव लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और आम जनमानस की सेवा करती है और हर गांव-गांव बूथ-बूथ तक निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य करने का सिर्फ कार्य भारतीय जनता पार्टी करती। अन्य दल भी थे, कोरोना का काल लगा था, अन्य दल का कोई भी कार्यकर्ता जमीन पे उतरने का ये बोलते हैं हम आम आदमी कार्यकर्ता, आप कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, बता दें कोई भी कार्यकर्ता कोरोना काल में यही सुहागी क्षेत्र है, हम लोग आम जनमानस को चप्पल पहनाने से लेके खिचड़ी वितरण से लेके पानी वितरण का कार्य करने का कार्य हम और हमारे विधायक जी श्री श्यामलाल द्विवेदी जी ने किया और अन्य कार्यकर्ता भाई लोग जो हमारे सब सिर्फ सेवा और समर्पण का भाव लेके हम लोग कार्य करते हैं। आज चुनाव का समय है तो ये सब लिए अपना दरम्बा पीट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ये सब इनके पास सेवा का भाव नहीं है, घर बैठ के मौज करना चाहते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो चल देते हैं अपना लिए पोथी पत्र कि हमको भी चाहिए, क्या है कुछ नहीं, कभी सेवा का भाव इनके अंदर रहा हो, धर्म का भाव रहा हो, कभी कुछ किए ये लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ चुनावी समय में ये अपनी राजनीति की रोटी। आप बताइए अभी पेशाब कांड हुआ, आपके नेता, आप आदिवासियों की बात करते हो, आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहे हैं, पिछली बार खैर इनको प्रदेश की जनता ने भगाने का काम किया, अब एन के एन प्रकार ने खरीद फरोख्त करके कुछ नेता दोगले नेताओं के कारण इनकी सरकार फिर से बन गई, इस बार खरीदा नहीं गया, वो हमारे पार्टी से प्रभावित होके और हमारे दल में शामिल हुए, खरीदा नहीं गया, कांग्रेस सरकार उनको उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाई, कांग्रेस सरकार ने उनको खूब दिया, 23 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बना देना मामूली बात है, लोग भर जाते हैं पूरे जिंदगी भर राजनीति करते हुए आदमी घर के लड़के, और आप बता रहे हैं कि उनका कोई सम्मान नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द खबरदार चैनल के ओपन इंटरव्यू में। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है बीजेपी, कांग्रेस और आप दल के, तो मेरा काम नहीं कर सकता और वही बैठते हैं, वही पे सिंचाई घोटाले के अजीत पवार बैठते हैं, वही पे जो है, अरे तो आपने भी पानी पानी घोटाले फिर से चर्चा में लाते हैं, अभी मुद्दे की बात हुई नहीं, बिजली पानी रोड ये सभी बाकी है, बातें और भ्रष्टाचार पे चली जाती है, इनसे आप उधर पे बात करेंगे, इनके पास करोड़ों करोड़ 200-500 करोड़ का बता देंगे, ककराहा में 2 साल पहले जो हमारा ककराहा का लाल है, 2 साल पहले जो है नक्सली उसमें खत्म हो गए, 1 करोड़ इस सरकार के पास नहीं है, सरकार जो उसमें शासकीय नौकरी देने का वादा था 1 करोड़ का वादा कहां गया, पहले ये बताइए, कोई यदि कागजी कार्यवाही में कहीं कोई 2 साल मैं स्वयं वहां एमएलए रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, लक्ष्मीकांत जी के भाई भी किसी फौज में ही सीआरपीएफ या किसी में ड्यूटी करते हैं, 2 साल हो गया भैया, मैं अपनी फैन की बात बता रहा हूँ, किसी की सुनी के बात को बोल ले, लक्ष्मीकांत दुबे जी से विधायक की बात हुई, उनके मतलब भाई की, उन्होंने कहा कि हमारा इस विषय में है, हमारा अभी तक इसका वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि आप कागज भेजिए, मैं सुबह वहाँ वल्लभ भवन जाके इसके विषय में बात करूँ, सदन की कार्यवाही चलते हुए और ऐसे विधायक सदन की कार्यवाही से उठ के ऑटो में बैठ के, उनके पास वहाँ वाहन नहीं रहता, आज नई नई पार्टियों के लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, श्यामलाल द्विवेदी जी अपने सदन की कार्यवाही में जब शामिल होने जाते हैं तो ऑटो से वहाँ यात्रा करते हैं, दूसरों की मोटरसाइकिल में और बस में बैठकर यात्रा करते हैं, लक्ष्मीकांत जी के दुबे जी के भाई को आप फोन लगा लें, उनको स्वयं ऑटो में लेकर मेरी उपस्थिति में वो वल्लभ भवन गए, वहाँ पे बात कराई, उन्होंने उसमें कुछ त्रुटि की बात की, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कलेक्टर साहब से बात हुई, उनकी बात वहाँ पे सचिव जो थे उनसे बात कराई गई और वो कार्यवाही में भर दिया, अभी आप
था जो भी चल रहा था भूमि पूजन में राजन शुक्ला जी को रोका, उसके बावजूद वहाँ पे मंच से राजन शुक्ला जी ने इस विषय में बताया कि ट्वीट किया गया था, तो रीट्वीट करके मेरे पास आया, मैंने इस विषय में बात की, कहीं त्रुटि के कारण वो कागज दूसरे विभाग में चला गया, उसका पैसा जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये इस विषय में हम सैनिकों के साथ तो सदैव खड़े हैं, और आज जो सैनिकों को सुविधाएं दी जा रही है, इससे पहले कभी भी दी जाती रही हो तो आप बताएं। अच्छा सैनिकों में आज तक जांच नहीं बैठी, पुलवामा इतना बड़ा हमारे सैनिकों का संहार हुआ उसकी आज तक जांच नहीं बैठी। लोग क्या कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, इन्होंने कहा सैनिकों को ऐसी सुविधा नहीं, अग्निवीर जैसी सुविधा आज तक किसी ने नहीं, वो भाजपा ने दी है अग्निवीर जैसी सुविधा। अभी इन्होंने एक चीज और की, माननीय विधायक जी अनशन बैठ गए थे, अपनी पार्टी की बहुत बड़ी बात है, अपनी पार्टी कर थाने में भी अनशन बैठा है कि देसी शराब पकड़वाने के लिए अनशन बैठ जाते हैं थाने के, ये विधायक छुड़वाने के लिए छुड़वाने के लिए पेट्रोल के साथ डीजल के साथ, यदि गलत और गलत के लिए गलत है, ये मुद्दा उठाया था सबसे पहला आपने मुद्दा उठाया था, ये तो अनुराग पांडे ठीक है, महेश पांडे वो इन्होंने कहा कि वो बीमार हो गए, तो इतने द्विवेदी उसने हैं कि अगर द्विवेदी बीमार हो रहे तो आप पता लगाइए कहीं द्विवेदियों पर कोई महामारी तो नहीं बदल रही है, वो पता चला है क्योंकि उसमें जितने हैं सब द्विवेदी सर्जन। अरे नगर सेठ भी है उसमें, बड़े बड़े नगर सेठ करोड़ों के आदमी विधायक निकले रहे हैं, आप भी द्विवेदी हैं। सुने कुल मिला के देखिए क्या है जो जमीनी द्विवेदी से अपने को अलग आप विकास किसको बोलते हैं, अस्तित्व पर सवाल हो रहा है, द्विवेदी आप विकास किसको बोलते हैं, आप हमारे क्षेत्र में नहीं हो जहाँ सड़के नहीं है, आज भी देवतर क्षेत्र के ऐसे कितने गांव हैं जहाँ आप तक सड़के नहीं पहुँच पाई, सड़के किसी कार्यकाल में नहीं, क्या है कि मेरे बाबा जी, अब मैं बोलूं कि वो जितना पैदा करते थे आज हमारे पिताजी उसका 4 गुना अधिक पैदा करते हैं, तो मैं बोल दूं मेरे बाबा जी काम नहीं करते थे, मेरे बाबा जी जितनी मेहनत करते थे उसकी 1% भी हमारे पिताजी मेहनत नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, तब बिजली नहीं थी, हमारे पिताजी विकास कर रहे हैं, बाबा जी ने हमारे कुछ काम ही नहीं किया। सुनिए जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, यही राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आदिकाल से लोग कहां से समुद्रों से आते थे, गंगा जी में यहां बनारस बहुत बड़ा हब था, देश को लूटा गया, जब जिसने मौका पाया अब आज मोदी जी मौका पाए को जोड़ने का रास्ता देखिए, एक छोटी सी यहाँ के काम लगा हुआ है, जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं जवाहर को जोड़ने वाली सड़क हो चाहे हम लोगों की बड़ी सड़क तो पहले से बनी है, गांव की सड़क की बात कर रहा हूं, मैं गांव की सड़क की बात कर रहा हूं, राजापुर से बडेड़ी से इंदौर तक से बडेड़ी राजापुर से बडेड़ी से इंदौर तक बडेड़ी से इंदौर तक मार्ग बड़ों तक जोड़ने वाला पहले नहीं बना था, बड़ों पर जोड़ने वाला मार्ग पहले नहीं बना था, पहले नहीं बना था, पहले कहां ही नहीं, ये विधायक किसी विधायक ने बनवाया है, ईमानदारी से आवास का नहीं मिल पा रहा है, 2,65,000 अभी परसों बनासी में काम लगा था, बताओ यात्री प्रतीक्षालय 4 दिन चुनाव बचा है, यात्री प्रतीक्षालय बनेगा ऐसी कोई बांध रहा है
आप पार्टी में भर्ती हुई है, आपकी जो जल जीवन मिशन की योजनाएं हैं, जहाँ जहाँ से पिछले दो सालों से तीन सालों से कहीं पर भी पानी नहीं आ पा रहा है। ग्राम पंचायत गुदामा अंतर्गत खूथी ग्राम के अंदर जो आदिवासी बस्ती है, आप चल के देख सकते हैं। चलिए सतौली दिखाएं, चलिए पानी दिखाएं, चलिए चलिए पानी दिखाएं। आप लोग बोलते हैं कि हम बहुत बड़े गौ भक्त हैं। आप यहाँ से जाइए अतरैला से विधायक जी के गांव तक, अगर आप निकल जाइए बिना गाड़ी से उतरे, जो यहाँ पे गौवंश रहते हैं मवेशी, पूरा रोड जाम करके रखते हैं। एक आदमी अंदर के जवाब जो है जनता के सामने रिकॉर्ड हो रहा है। सांसद प्रतिनिधि सरकार की जिम्मेदारी से जो गौओं की स्थिति आज उसके जिम्मेदार क्या हम सरकार को मान सकते हैं? यदि हम अपने माता पिता को वृद्ध हो जाने पर ये बोल दें कि आप सभी जाके वृद्धाश्रम में रहें, तो क्या वृद्धाश्रम में सभी के माता पिता की उचित व्यवस्था हो पाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? आप जवाब दें। हम अपनी गौओं को दूध बांट रहे हैं दूध लगाने के बाद सड़कों पर, और हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि इतनी गौओं की सेवा किसी गौशाला में कोई सरकार हो? मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कोई सरकार हो, इतनी गौओं की व्यवस्था, यदि किसान जो 50 बीघे की आप कम से कम 10 लाख की धान 20 लाख की बेचते हैं, और आप अपने यहाँ आपके घर में हमारे गांव के लोग ले जाके पहले पियरा खिलाते थे, आज आप 10 गाय की सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों में छोड़ दिए हैं, हम छोड़ दिए हैं, और बोलते हैं कि सरकार व्यवस्था करेगी। हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दे, वृद्धाश्रम में व्यवस्था होगी? जो किसान के मवेशी है, आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। किसान के मवेशी आज भी किसानों के आप बन जाएंगे। अपने गांव को इतनी गायों की व्यवस्था अगर कहीं की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की जा रही है। यहाँ कितनी गौशाला में कितने मवेशी रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव में जाना है, अब ये जो है जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक साल के अंदर सरकार ने मवेशी कितना बंद हो गए। ये जिम्मेदारी है सरकार की जिम्मेदारी है, और उसमें कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन हमारे मित्र जो कह रहे हैं सभी कोई अपनी गाय को छोड़ने का मतलब है जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की है।
हम किसानों को ये तो गौशालाओं की बात होगी, मुद्दा अभी भी वही है, बिजली को लेकर थर में समस्या है, गायों को लेकर एक और जरूरी संवेदनशील विषय छूटा जा रहा है। आज त्योथर पूर्वांचल का पूरे त्योथर तहसील का ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव का 12 साल का बच्चा सूरत बंबई और हैदराबाद जाने के लिए तैयार रहो वहां जाके कलेक्टर नहीं करता, वहां जाके वेटर गिरी करता है, ड्राइवरी करता है, गरीबी जाति देखकर नहीं आती और उसमें सभी जाति धर्म एवं वर्ग के लोग शामिल है। आज जब युवा सड़कों पे बदहाल बेरोजगार घूम रहा है और जब इनसे जवाब पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि जवाब ये जवाबदारी सरकार की है, ये जवाबदारी हमारी सरकार भी जवाब नहीं देंगे। पहले क्या था, अभी तक इस पंचवर्षीय के पहले रोजगार के क्षेत्र में किसी ने भी काम नहीं किया। मोदी जी के आने के बाद हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, रोजगार हो, योजना हो, ये कुछ योजनाएं थी और मतलब बड़े उद्योग और प्रधानमंत्री के माध्यम से ऋण की व्यवस्था है, मुख्यमंत्री के माध्यम से ऋण की व्यवस्था है। पावर हाउस के बगल में देखेंगे 175 एकड़ का और जो केंद्र वगैरह बहुत तैयार फॉर्म अभी उसमें काम लगा है, बकायदे रोड सड़क नाली बिजली की व्यवस्था वहाँ की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि इससे उद्यमी यहाँ पे प्रभावित हो के यहाँ पे उद्योग लगाए और स्वाभाविक सी बात है यहाँ उद्योग लगेगा तो लोकल कभी रोजगार का सृजन होगा, कभी कुछ घूमने लगेंगे। लेकिन पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से आज तीन पीढ़ी जो है अनपढ़ जैसे हो गई है, अधिकचरे जैसी हो गई है। जब तक हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनको अच्छी जिम्मेदारी कोई भी अच्छा पढ़ा लिखे लोग देखिए पूरा सरकारी स्कूल कोई एक स्कूल ही लोग बता दे, सीएम राइज होगा कब होगा उसकी विषय छोड़ दीजिए, पूरा कोई एक ही सरकारी स्कूल बता दे त्योथर के अंदर कि मतलब जिसको हम आदर्श मान सके पूरे में पूर्वांचल का। मैं पूरा गायब अभी अभी हमारे यहाँ जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक हायर सेकेंडरी थी उसका उन्नयन हो गया सीएम राज विद्यालय में कर दी, 75 कमरों का बड़ा भवन तैयार जो सारी सुविधाओं जिसमें चल रहे हैं। चल बोलिए विद्यालय आपने उन्नयन करा दिया, माननीय विधायक जी जब अपने गांव से निकलते हैं और जब कोनी सोनौरी मुख्य सड़क पर आते हैं तो सामने जो है एक मिडिल स्कूल है जो अपने उन्नयन की राह माननीय बाबू जी के जमाने से देख रही है वहां के लोग और वो उन्नयन नहीं हो पाया और सुनिए इन 5 सालों में माननीय विधायक जी ने अपना खुद का स्कूल कॉलेज बना लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे वो दिलीप मिश्रा जी हो मंडल अध्यक्ष, चाहे वो देवेंद्र सिंह जी हो, चाहे वो कौशलेश तिवारी तिवारी लाल जी हो, प्रशांत पाठक जी हो और आज उसी लिस्ट में श्यामला जी भी शामिल हो, सुनिए 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 मेरी बात सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना प्राइवेट स्कूल और अस्पताल चलाएंगे तो सरकारी स्कूल और अस्पताल कैसे सुधरेगी, जवाब दीजिए। यदि शराबखोरी में 2 नंबर का जो पैसा आया वो आम आदमी पार्टी में गया तो आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया जाए, इस विषय में ईडी ने अपना लिखित में वहां पे जवाब दिया। आपने शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ कहा उन्नयन की बात, अभी ये फेज वन का काम हुआ है सीएम राइज का। 20 साल में आपने क्या किया, 20 साल में आपने क्या किया, स्कूल है 20 साल में क्या करना किया है, मध्य प्रदेश का केवलकर विधानसभा में मध्य प्रदेश में टॉप बच्ची खुशी चुंदरी गांव के आई मध्य प्रदेश की विद्यालय कन्या कन्या ठीक है वह शासकीय विद्यालय है ना, वहाँ के बिटिया फसला जो पढ़े में जेके पास क्षमता हो ते चिमनी कंजोरे पढ़ले ही जेका टैलेंट होई तेका नौकरी मिल जाए। अब हम का नकल से 93 से 2003 तक वही अपना फसल अभ्याप्त नसीब के बाद से मुझे बोले पूरा 93 से 2003 तक
खेते खेते में कापी लिखान ओकर परिणाम हम आपन दोन जमा रो तुझे आज के लड़का पढ़ के निकल जाएगा हमारे घर लड़का नहीं हमारे घर आज के लड़का डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सेलेक्ट हुए आप पता हमारे व्यक्तिगत घर में आज लड़का डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सेलेक्ट हुए अब पता करे वो पढ़ाई में चुकन कर मन लाभ हमका अपना का सुविधा नकल के मिल गया कपड़ा कॉपी लिखान है व्यापन वाला सिस्टम तो नहीं ना व्यापन में पता करे व्यापन हमारे घर के आठ लोग हमारे घर के सर्विस में आधा में आए थे रामचंद्र शुक्ला का लड़का अभी पटवारी की परीक्षा हुई भैया मतलब लगे ना बिल्कुल प्रदेश में जितने टॉप कर रहे हैं एक विशेष कॉलेज के लड़के उनका नंबर बराबर अलग अलग धरे कॉलेज है जो कॉलेज कभी खुलता नहीं है आपके भारतीय जनता पार्टी के सर विधान क्योंकि बात यहाँ सिर्फ की बात भैया ये लोग रोजगार की हम बात करे लागे आठ लड़के हमारे घर में दो पार्टी का अनुशासन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको हम बता रहे हैं अभी माननीय सांसद मंत्री जी ने कहा कि अभी पांच मिनट पहले इन्होंने कहा कि बात चल रही पांच जनता चोर जनता नहीं चोर हम जनता चोर नहीं बोल चुरा लेंगे हाँ धान चुरा लेंगे धान चुरा लेंगे ठीक वो माननीय सांसद जी का निर्वाचन क्षेत्र नहीं तो चोर हो जब राजी हो तो कैसे नाम लेके बताइए ना हम ये पार्ट पांच की जनता को वोट देकर लोग लेंगे वोट देकर लोग नाम एक आध दो नाम का नाम पता लगाइए किसान लापरवाह है अपनी गाय छोड़ देते हैं अपने जानवर छोड़ देते हैं ठीक अभी इनके युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुपम तिवारी जी ने कहा कि वहाँ पे बन रहा है कोई उद्योग केंद्र उससे लोगों को रोजगार मिलेगा आपको बता दूँ खजुराहो ग्लोबल समिट रूपी और उसके कारण तहत जो है डकोरा में दो बड़े उद्योग आए वो आज तक उद्योग आपके दरभंगा के एम्स की तरफ आए आज तक वहाँ भी नहीं है कोई तो जो कोई उद्योग की तरफ बढ़िया है वो भी गाय वो भी गाय तो इनके इस तरह के वादे रहते हैं ये रोजगार का हाल है इनका ये जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारी है यही है भारतीय जनता पार्टी की रोजगार हमारे ते उतर के हम बात कर लाए हमारे घरे में आठ लड़का जे पढ़े वहाँ जेके पास क्षमता है उनका रोजगार है जे नकल से जेके अभिनव काबिले जेके पास ही चाहे सरकारी में पढ़ा चाहे प्राइवेट में पढ़ा उनका पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिल रहा है वो नौकरी पाएंगे चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में तो ऐसे में तो फिर स्कूलों को बंद कर देना चाहिए नहीं तो पढ़े जिनकी काबिलियत है नहीं तो नहीं व्यवस्था पर सवाल है व्यवस्था पर सवाल है जैसे स्कूलों में अगर शिक्षा बेहतर होगी तो हर वो कमजोर बच्चा जो पढ़ने में असक्षम है वो भी कुछ कर पाएगा भैया क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारी कार्यक्रमेगी जहाँ ये संतुलित जवाब जवाब भी मैं आपको बता जी एक चीज अवश्य मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं हमारे समाज में प्राइवेटीकरण का हम लोगों को इतना तेज बुखार चढ़ चुका है मैं आज की बात करता हूँ आप चौथर हॉस्पिटल में चले जाए आप चाक भाट हॉस्पिटल में चले जाए जो सफाई जो व्यवस्था जो मशीनें शासकीय दोनों हॉस्पिटलों में है वो पूरे चौथर के अंदर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बिल्कुल यदि किसी को समस्या होती है तो हम सरकारी की तरफ न जाके हमारी ऐसी धारणा स्वयं की बन गई हम प्राइवेट की तरफ भागे जाते बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार अपने बच्चों बात खत्म नहीं हुई सामुदायिक अस्पताल 30 बिस्तरों का है और पांच पांच डॉक्टरों के पद खाली हैं वहाँ पे डिलीवरी होती है और एक महिला डॉक्टर आज तक इनके पास नहीं है मैं प्रमाण से बताता हूँ मैं
संतान है बालक और उसका जन्म वहीं चार घाट के हॉस्पिटल निरंतर देश के जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई जनता तक पहुंचाने का सरकार ने प्रदेश की सरकार ने आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। माननीय विधायक जी के द्वारा निरंतर क्षेत्र में विकास किए गए, जनता करीब से करीब उनसे संतुष्ट है। हम फिर से चुनाव आ गया है, उस चुनाव में माननीय विधायक जी की योजना देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको लेके जाएंगे। प्रदेश सरकार की योजना चाहे किसानों के लिए 0% पर ब्याज पर खाद बीज उपलब्ध सरकार करा रही है, लाडली बहना योजना, आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम जनता को हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर बताएंगे कि सरकार आपके साथ ये कार्य किया, वही कार्य को हम लोग बताकर फिर से चौथा में कमल खिलाएंगे। यही मेरा संदेश है। बताया, देखिए हम लोग कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, आम आदमी पार्टी, इससे पहले हम लोग त्योंथर के युवा हैं। आज जरूरत है हम सब युवाओं को त्योंथर के विकास के बारे में सोचने की। त्योंथर को जिला बनाने में भी हम लोग लगे। त्योंथर के जिला बनाने वालों का आप लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हो। मैंने अपने घर में रोका। आज तक आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी बता रहे ना, हमारे तो सारे नेता मंच से बोलते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो त्योंथर को जिला बनाया जाएगा। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि भाजपा कांग्रेस छोड़ के जहां त्योंथर की बात आती है, त्योंथर की विकास की बात आए, त्योंथर को जिला बनाने की बात आए, तो सर्वप्रथम अपना त्योंथर है, त्योंथर के लिए सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है। हम लोग जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, ठीक है। मेरा आपके इस डिबेट के माध्यम से भी युवाओं से आग्रह है कि आप लोग त्योंथर, बाकी आपने पढ़ाई की है 4 साल, अब उसकी आपने क्या किया है क्या नहीं किया है कापी चेक होने वाली है 17 तारीख को, फिर उसके बाद 3 तारीख को आपको नंबर खुद पता चल जाएगा कि आपने कितना काम किया है। यहाँ पर किसी का गला खराब करने की जरूरत नहीं है, सब जनता जानती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। भले आप लोगों ने अनपढ़ बनाने की कोशिश की कि भाई पढ़ लिख लेगा तो ये जिंदा मोदी जी जिंदाबाद कैसे बोलेगा, व्हाट्सएप पे जो इधर उधर के मैसेज आते हैं इनको, वो फर्जी मैसेजों को कैसे शेयर करेगा। आपके लोग भारतीय जनता पार्टी को के पास कोई काम नहीं बचा है, ये लोग सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए आईटी सेल में बैठा के रखे हैं लोगों को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के माध्यम से। मेरा सिर्फ यही संदेश है कुल मिला के कि त्योंथर हमारे लिए सर्वप्रथम वरीयता होनी चाहिए। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का 15 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, इनका 15 साल का कार्यकाल देख लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी की क्या गलती थी, गौशाला खुलवाया, किसानों का बिल माफ कर रहे थे, ये गलती हुई जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके क्या विचार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे यहाँ विधानसभा में विकास कर रहे हैं। त्योंथर की बात आप करते हैं तो मैं केवल त्योंथर की बात करता हूँ। सभी नेता जनता जनार्दन का शब्द उपयोग करते हैं। हमने श्यामलाल द्विवेदी जी को जनता जनार्दन मान के उनके लिए जीवन जीते हुए अपने विधायक जी को काम कर देखा है। आप इतने विधायक थोड़ी सी जिसके पास व्यवस्था हो जाती है उनको काफी सुविधाएं भी रहती हैं, वो बड़े बड़े टूर में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाते हैं, लेकिन मुझे गर्व होता है कि हम लोग श्यामलाल द्विवेदी जी के लिए काम कर रहे थे। 5 साल के भीतर एक बार अलग नारायण जी उनको काशी धाम ले गए थे, उसके अतिरिक्त आप कहीं भी उनकी कोई फोटो नहीं दिखा सकते कि वो तीर्थाटन भी करने गए हो और उन्होंने मंच से केवल इतना बोला है कि त्योंथर की जनता ही मेरी सृजन करता है, मेरे लिए ईश्वर है और मैं पूरे 5 साल उसी की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाती है तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के या जिसे भी बनाती है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करें। जय भाजपा। जय विधायक जी का नहीं बनाने का। मैं संपूर्ण त्योंथर क्षेत्र
खारा सलैया बरेती मझियारी सरोई से लेकर बरहों पार होते हुए ककरहा तक के सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमने अभी इस बार अगस्त में 76वां वर्षगांठ बनाया आज़ादी का। 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गया। आज त्योथर की धरती पे जमीन पर जब आप अपनी अंतरात्मा टटोल कर देखेंगे तो आज त्योथर की धरती पे न तो बिजली है, न पानी है, न कमाई है, न रोजी रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है। यह परिस्थिति जो है देने वाले ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें हैं। 75 सालों में इन्हीं सरकारों ने इस मध्य प्रदेश में शासन किया है और बारी बारी से लूटा है। आज परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आप एक साथ खड़ा करके देख लीजिए, दोनों तरफ बाकी है, दोनों तरफ भ्रष्टाचारी है और दोनों तरफ वंशवाद की राजनीति को बढ़ाने वाले लोग हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए आप सिर्फ एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, जैसे दिल्ली की जनता ने दी और दिल्ली आज खुशहाल है, दिल्ली की देखा देखी पंजाब की जनता ने दी और पंजाब आज खुशहाल है। 2023 आम आदमी पार्टी आप सबके लिए एक मौका बनकर आया है, आप एक मौका दें, आपकी पढ़ाई दवाई बिजली पानी सब कुछ ठीक होगा, सभी समाज के लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे और भारत को नंबर एक हम सब आम आदमी पार्टी के लोग मिलकर बनाएंगे। जय हिंद। जैसे कि सभी पार्टियों ने अपने अपने टिकट को लेकर अभी त्योहार का पाला नहीं खोला, त्योहार में अभी भी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा। फिर भी यहाँ मुद्दों की भरमार है, बिजली सड़क पानी सब बदहाल है, पार्टियाँ आपस में किस तरह है चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है ये तो आप सब देख रहे हैं। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी द खबरदार टीम के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।